हर बीपीएल कार्ड धारियों को उनके कार्ड पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर माह 35 केजी चावल 1 रुपए के दर से मिलने का प्रावधान है। लेकिन रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के उल्हारा गांव के अशोक मुर्मू जैसे अन्य 80 परिवार हैं जिनको बीपीएल कार्ड धारी होने के बावजूद उनके कार्ड पर उन्हें 35 केजी चावल के बदले 32 केजी चावल ही मिल पा रहे हैं और उस 32 केजी चावल के बदले उनसे 40 रुपये लिए जाते हैं और तो और यदि चावल साफ रहा तो उनसे 50 रुपये तक भी लिए जाते हैं। कोटार दो चिल का चावल पे जंदा 32 किलो 40 टका समय रे पको मलना कभी 2.5 महीना कभी 1.5 महीना माने कि 1.5 महीना को हंते गी तो जहां तीन करे बापे मिता बड़ा के दे मताले मिता ये मेंदा कि हंडा खन की बांग जी करना चावल। इस मुद्दे को लेकर मैंने वीडियो बनाया और जिस दिन मैंने वीडियो बनाया उसी दिन समुदाय के लोगों ने यह निर्णय लिया कि आज हमें डीलर के पास जाकर बात करनी चाहिए। हम सब मिलकर डीलर के पास गए और इस बात को उनके सामने रखा। उन्होंने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। कोई जगह करप्शन हुई कना और ई हो ना खोई की मतलब जो इनाम दा अगर सही से इन भाड़ा इमिंग किया गवर्नमेंट और सही वजन नहीं तो चावल अगर इनाम क्या से तो फिर इन 2 किलो या 3 किलो इन घाटा ना चीज जरूरत है कना इन हो जो आप बोरा मतलब उना के लिए हम ले मिताम कना कि आम मतलब कि 35 किलो चाहिए चाहिए इन हिसाब से दिला। लेकिन हम इस बात पर अड़े रहे कि जब तक आप 32 केजी चावल के लिए 32 रुपया नहीं लेंगे हम 40 रुपया नहीं देंगे। बहुत देर तक बहस होने के बाद वो इस बात के लिए राजी हुई। तीने चाल जाम के 32 किलो 32 टका लहारे तीने मा तीने पे में था कचा 30 किलो चावल आप किलो चावल ले रे 40 रुपया लेता को था ना डीलर आ तो तीन दो डिस्कस चुके दिया कि प्रति किलो रे 2 टका 32 किलो चावल में 32 किलो चावल ले 32 टका एग्री तीन दो चिकाते इन एम आप ये तीन आदर ने गालमरा हुई मिता कन ले ना जल्दी दे नीते में अच्छा 32 टका ए 32 किलो में आप ये चावल है 32 टका कचा की में पे गल का हुई ना। और सब बीपीएल कार्ड धारियों को 32 केजी चावल के लिए 32 रुपए ही देने पड़े। इस छोटे से बदलाव के लिए ग्रामीण काफी खुश हैं। तो ठीक है खुशी पे पूछो दा खुशी तो खुशी 34 किलो 34 किलो 32 ये अदो अदो लहा से चेप पे खोजोगना पे तो लहा से आले 34 किलो ले खोजोगना आ माने मीट का 34 टका ले मैं उनका ले खोजोगना ले तो मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूं कि रामगढ़ जिले के एसडीओ दिलेश्वर महतो को उनके मोबाइल नंबर 9431146488 पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं ताकि ग्रामीणों की यह समस्या जल्द से जल्द हल हो सके। मैं बसंती सोरेन झारखंड के रामगढ़ जिले से इंडिया अनहद के लिए।